वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भमर। आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि देश भर में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर बैन लग चुका है, तो आज मैं आपको लेकर आ गया हूं अवतार मैकेनिकल वर्क्स में, और यहां पर आपको सिंगल यूज्ड प्लास्टिक बैन जो हुआ है उनका काट निकल जाएगा और साथ ही आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ दिल्ली के अंदर मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पेपर बैग मेकिंग मशीन। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मशीन्स जीरो से लेकर और एक फुल्ली मशीन तक बनाने का सारा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, साथ ही मशीन्स के बारे में बताने वाला हूँ और कौन कौन सी तरह के किस किस तरह के यहाँ पर आप पेपर बैग बना सकते हैं, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो मिलते हैं ऑनर से। वेलकम टू माय चैनल सर। एक बार कंपनी के बारे में बताएंगे सर? सर, हमारी कंपनी का नाम अवतार मैकेनिकल वर्क्स है। हाँ जी। और हम पिछले 50 साल से इस फील्ड में हैं। 1973 से हमारी एस्टेब्लिशमेंट है और 1970s से हम ये मशीन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया न्यू दिल्ली के अंदर। अच्छा। बाकी ये जो आप मशीन हमारी देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक पेपर बैग मेकिंग मशीन है जो कि 100% इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। इस पूरी मशीन को बनाने में जो भी पार्ट्स लगते हैं, जो भी स्पेयर्स लगते हैं, वो सारे इन हाउस बनाए जाते हैं, हमारे फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। कल को कस्टमर को कोई भी स्पेयर पार्ट की नीड होती है, कोई सर्विसेज की नीड होती है, तो उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे से मशीन लेता है तो सर्विस भी हमारे से ही मिलती है। तो ये है कि सर, कई सारे हम लोग भी इस तरह के और भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाते हैं, वहाँ पर कमेंट आते हैं कि भाई ये चाइनीज़ है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन आज पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं भाई, किस तरह से मशीन से यहाँ पर बनकर तैयार हो रहे हैं और सारा इनकी वर्किंग दिखाने वाले हैं। एक लाइव ट्रेनिंग भी मिल जाएगा और एक आइडिया हो जाएगा कि भाई इस बिज़नेस में क्या हम कर सकते हैं। तो ये हमारी ऑटोमेटिक पेपर बैग मेकिंग मशीन है जो कि फुली मेक इन इंडिया है। इसके प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे पेपर रोल्स लगते हैं, ये जो बैग्स बनेंगे ये पेपर रोल्स से बनेंगे, तो पेपर रोल यहाँ पे माउंट होगा मशीन में। यहाँ से पेपर रोल अनवाइंड होके पहले प्रिंटिंग स्टेशन में जाएगा, जैसे कि ये मशीन जो सी है ये ऑनलाइन प्रिंटिंग के साथ है, विद टू कलर प्रिंटिंग के साथ है, ऑटोमेटिक पेपर बैग मेकिंग मशीन विद टू कलर प्रिंटिंग ऑनलाइन। तो ये जो रोल है ये पहले अनवाइंड होके प्रिंटिंग स्टेशन में जाएगा, टू कलर का प्रिंटिंग होगा, उसके बाद पेपर बैग मेकिंग मशीन में दोबारा से बैग कन्वर्ट करने के लिए वो पेपर आएगा। इस मशीन के अंदर जो हम जंबो रोल को, पेपर जंबो रोल को लोड करेंगे, उसके लिए हमने ऑटो लिफ्टर ऐड किया है साथ में, जिसकी वर्किंग है कि जो उसको ग्राउंड से जहाँ पे वो लोड होता है पेपर रोल, वहाँ तक उसको ऑटो लिफ्ट करेगा। उसकी वर्किंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑटो लिफ्टर है जो हमारा पेपर का जंबो रोल आता है, जिसमें आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 150 टू 200 केजीज़ के रोल आते हैं, उसको ऑटो लिफ्ट करने के लिए। ये इसका ऑपरेटिंग पैनल है, यहाँ से आप इसकी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कि आपने मशीन को कितनी स्पीड पे चलाना है, वो यहाँ से कंट्रोल आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से रोल अनवाइंड होगा और वो पहले प्रिंटिंग स्टेशन में आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट कलर की प्रिंटिंग होगी, ये फर्स्ट कलर प्रिंट हो रहा है और दूसरी तरफ सेकंड कलर की प्रिंटिंग हो रही है। सेकंड कलर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। टू कलर की प्रिंट होने के बाद जो पेपर है वो दोबारा से पेपर बैग मेकिंग मशीन में आता है। पेपर प्रिंट होने के बाद नीचे से दोबारा से पेपर बैग मशीन में आ रहा है। ये इसकी जो ग्लू टैंक है, ये सेंटर पेस्टिंग के लिए ग्लू टैंक है जो इसको बैग को सेंटर से पेस्ट करेगा। यहाँ पे बैग की फोल्डिंग होती है, साइज प्लेट्स हैं, साइज प्लेट्स के अकॉर्डिंगली बैग फोल्ड होता है, जितनी हमने विड्थ बनानी है उस विड्थ के हिसाब से बैग फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे बैग की कटिंग हो जाती है। कटिंग होने के बाद लास्ट प्रोसेस जो सा होता है वो बॉटम पेस्टिंग का होता है। बॉटम पेस्ट होने के बाद टेबल पे कंप्लीट बैग मिलता है हमें इस तरह से,
ये हमें कंप्लीट बैग टेबल पे रेडी बैग मिलता है। तो यहाँ पर किस किस टाइप के आप पेपर है इस पर बैग बना सकते हैं? यहाँ से स्टार्टिंग करके इस बैग साइज तक कोई भी साइज बना सकते हैं। अच्छा, किसी भी ये मल्टीपर्पज मशीन है। अच्छा। इसके अंदर आप कोई भी साइज बना सकते हैं। ये जो मशीन है ये विदाउट हैंडल बैग बनाती है। इसके बाद हमारे पास हैंडल बनाने का भी ऑप्शन है, हैंडल कैसे लगता है उसका भी ऑप्शन है। इस मशीन में जो बैग बनते हैं वो नीचे से अगर आप उनका शेप देखेंगे तो वो वी शेप में होते हैं, वी बॉटम बैग्स होते हैं। अब इस वी बॉटम बैग को कन्वर्ट करना है हमने शॉपिंग बैग में, तो इसके लिए हमें क्रीजिंग मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। वो क्रीजिंग मशीन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सब जो पेपर बैग्स है कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो सर देख रहे हैं कि भाई प्लास्टिक बैन हो चुका है और हर जगह आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, तो लोगों के पास अभी दिक्कत भी काफ़ी है, प्रॉब्लम्स काफ़ी है कि भाई करे तो करे क्या, तो इसके लिए ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इसके अंदर आप स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिकल शॉप्स के बाद आप स्वीट शॉप्स पे इसको यूज़ कर सकते हैं, ग्रॉसरी शॉप्स पे यूज़ कर सकते हैं, बेकरी शॉप्स पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको फिर शॉपिंग बैग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये अभी हमारा ग्रॉसरी बैग्स है, क्योंकि बेकरी पे, ग्रॉसरी पे, मेडिकल्स पे, स्वीट शॉप्स पे हमें विदाउट हैंडल बैग्स चाहिए होते हैं, पर हमें जो शॉपिंग बैग है उसके ऊपर हैंडल लगाना पड़ता है और साथ में उसको स्क्वायर बॉटम भी बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास अटैचमेंट्स हैं जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो हमारा उस मशीन में बैग बना था वो नीचे से वी शेप में था। अच्छा। इस मशीन का काम है उस वी शेप को स्क्वायर बॉटम में कन्वर्ट करना और ऊपर से जो ये ज़िगज़ैग कटिंग होती है इसको फाइन करना ताकि हमारा इसमें हैंडल लग सके। उसका मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ। हमने इस बैग को सिंपली इस तरह से यहाँ पर रखना है और इसमें से बैग को पास करना है। इसमें दो स्टेप हो रहे हैं, नीचे से क्रीजिंग हो रही है, ऊपर से उसकी ट्रिमिंग हो रही है। सिंपली हम इसमें से बैग पास करेंगे। मशीन जो है ये वेरिएबल स्पीड के साथ आती है, जितना तेज आप काम करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इस मशीन की स्पीड को सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक तरफ से कटिंग है और एक तरफ से इसके क्रीजिंग है। क्रीजिंग है, वाओ। तो इसके अंदर ये जो फाइनल बैग यहाँ पे आता है इसमें नीचे से इसकी क्रीजिंग हो जाती है इस तरह से और ऊपर से इसकी कटिंग हो जाती है। जैसे कि आप पहले बैग देख रहे थे तो ऊपर से वो ज़िगज़ैग था और यहाँ पे इसकी ट्रिमिंग भी हो गई और क्रीजिंग भी होगी। तो क्रीजिंग होने से क्या होता है कि जैसे ही हम बैग में किसी भी तरह का वेट डालते हैं तो वो अपना स्क्वायर बॉटम का शेप ले लेता है। हाँ, इस तरह से वो बैग स्क्वायर बॉटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप से हमारा जो वी बॉटम बैग था वो स्क्वायर बॉटम में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर लास्ट प्रोसेस होता है कि हम इसमें हैंडल लगा सकते हैं। तो हैंडल लगाने के लिए आप ये ग्लूइंग मशीन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के आप हैंडल लगा सकते हैं। ये ग्लूइंग मशीन है, इसके अंदर ये ग्लू टैंक है, इसके अंदर आपने ग्लू को डालना है और इस तरह के रेडीमेड हैंडल आपको मार्केट से रेडीमेड मिलते हैं। इस ग्लू मशीन में से आप इस हैंडल को पास करेंगे तो यहाँ पे इसमें ग्लू लग जाता है। उसके बाद सिंपली आप इसमें बैग में इसको इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह के हमारे बैग्स बन जाते हैं विद हैंडल। तो डिफरेंट आप शेप देख रहे हैं, साइजेस, इस तरह से हम हैंडल से इनको बैग बना सकते हैं। तो एक हमारे पास स्टेप जोन सा है वो ये है कि हम पेपर हैंडल इस तरह के इस पे लगा सकते हैं और सेकंड ऑप्शन हमारे पास एक और है हैंडल के लिए, हम रोप हैंडल्स भी लगा सकते हैं इस तरह से। उसकी वीडियो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो सर जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने हैंडल लगाया है और एक विदाउट हैंडल के है, क्या एक कॉस्टिंग में क्या फ़र्क पड़ जाता है अगर कोई इस तरह के मशीन्स लगा रहे हैं? तो वो देखना भी चाहते हैं कि भाई कॉस्टिंग में क्या फ़र्क पड़ जाता है। हम आपको, आप हमारे को अप्रोच कीजिए, हम आपको विदाउट हैंडल एंड विद हैंडल बैग की प्रॉपर कॉस्टिंग विद पर बैग कॉस्ट की, हैंडल लगाने से पहले और हैंडल लगाने के बाद पर बैग की क्या कॉस्ट आपको इन हाउस आती है वो प्रॉपर आपको फॉर्मूला के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर इस मशीन्स की बात करें, यहाँ पर प्रोडक्शन रेट की बात करें, पर मिनट में या पर आवर में क्या प्रोडक्शन रेट? ये जो आप हमारी मशीन देख रहे हैं ये प्रीमियम मॉडल है। अच्छा। और इस मशीन की कैपेसिटी 350 बैग्स पर मिनट की कैपेसिटी है अप्रॉक्सीमेटली। जो ये मशीन की प्रैक्टिकल्स, जैसे अलग अलग साइजेस के आ जाएंगे, यहाँ पर आपने
दो मशीन लगाया हुआ है, एक तो यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए और एक है यहाँ पर मेकिंग के लिए, मेकिंग के लिए। तो यहाँ पर जैसे अगर कोई अलग अलग लेना चाहे या कोई साथ में लेना चाहे तो उनके लिए क्या आपके पास? आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। जैसे किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें विदाउट प्रिंटिंग बैग्स ही बनाने हैं, तो आप विदाउट प्रिंटिंग मशीन भी ले सकते हैं। इन फ्यूचर उनको रिक्वायरमेंट आती है कि हमें प्रिंटिंग मशीन जोड़ना है, तो उसी मशीन के साथ हम प्रिंटिंग मशीन को अटैच कर देते हैं इन फ्यूचर। अच्छा, हाँ, तो ये एक दोनों लाइन में आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर एक बार हमने पेपर रोल से लगाया, यहाँ पर प्रिंट हुआ और डायरेक्ट वहाँ पर बैग आपको टेबल पे रेडी मिलेगा। यहाँ पर आपने टू कलर इस्तेमाल किया है, तो टू कलर या आगे और भी आप कलर ऐड कर सकते हैं या किस तरह से? इसके अंदर आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं। आप मशीन को विदाउट प्रिंटिंग भी ले सकते हैं, विद वन कलर प्रिंटिंग भी ले सकते हैं, टू कलर तो आप देख ही रहे हैं, और फोर कलर प्रिंटिंग के साथ भी ले सकते हैं। अच्छा जी, तो ये सारी जो मशीन्स है आपकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग? जैसे कि आपको पता है कि आपका भी क्वेश्चन था कि मेरे आपके भी यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स आते हैं कि ऐसी मशीन्स इंडिया में नहीं बनती हैं, तो उसी का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, हम टोटली इन हाउस हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। जो अभी आपने रेडी मशीन देखी है ये अभी स्टार्ट हुई है ओनली, ये 0 to 100 तक मशीन की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है हमारे प्लांट में ही होती है। ये एक मशीन है, उसके बाद ये नेक्स्ट मशीन आप देखेंगे, ये ऑल पेपर बैग मेकिंग मशीन्स ही हैं सारी। ये हमारा बिगर मॉडल है, ये हमारा स्मॉलर मॉडल है। तो ये सारी मशीन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, अब आप देखेंगे कि ये मशीन जो सी है ये ओनली 20 to 30% कम्प्लीट है अभी, ये मशीन 80% कम्प्लीट है। उसके बाद आगे आप आ जाएंगे तो ये मशीन भी अप्रॉक्सीमेटली 70% कम्प्लीट है। तो मतलब मशीन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम्प्लीटली इन हाउस है। एक एक स्पेयर पार्ट यहाँ पे बनाया जाता है ताकि कस्टमर को फ्यूचर में जो भी हमारे से मशीन लेते हैं उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ये भी पेपर बैग मेकिंग मशीन है जैसे आप देख रहे हैं। तो ये सारे आप यहाँ पर भाई A to Z आप मैन्युफैक्चर करते हैं? अच्छा, किस तरह के मटेरियल आपने यूज़ किए हैं सर? मशीन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पूरा कास्ट आयरन पे है, हैवी ड्यूटी बॉडी स्ट्रक्चर है। जैसे कि अभी जो आपने रनिंग मशीन हमारी देखी है, इस मशीन का विद टू कलर प्रिंटिंग, जो हमारा बिगर मॉडल है विद टू कलर प्रिंटिंग, इसका अप्रॉक्सीमेटली जो वेट है वो 3.5 tons का वेट। दैट मीन्स कि वो इतनी हैवी ड्यूटी मशीन है कि जब आप उसको उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे रन करते हैं तो उस मशीन में वाइब्रेशन नहीं होता है। अच्छा। वो मशीन वाइब्रेशन फ्री होती है, जिस वजह से उसका जो प्रिंटिंग है उसका क्वालिटी बहुत फाइन आता है क्योंकि मशीन में वाइब्रेशन नहीं है। अच्छा। तो मार्केट में और भी इस तरह के मशीन्स अवेलेबल है, और उसके मटेरियल में और आपके मशीन्स में और उसके मशीन्स में क्या एक डिफरेंस क्या रह जाता है? हमारी मशीन में जो मेजर डिफरेंस है वो तो यही है कि हम एक 50 साल पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम इतने प्रोफेशनल हैं इस चीज़ में, वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद जो मशीनरी की बात करें तो जो हम इसके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। वर्कमैनशिप जो हमारी है वो डिफरेंस है। बाकी जो हम क्वालिटी इसकी मेंटेन करके चलते हैं, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, बिफोर डिलीवरी हम मेक श्योर करते हैं कि कोई भी मशीन जो डिलीवर होती है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो हम एक्सपोर्ट करें, तो उसको हम ट्रायल्ड एंड ट्रस्टेड यहाँ से बेचते हैं। चाहे कस्टमर हमारे पास विजिट करता है कि नहीं करता है, मशीन की जो ट्रायल जरूर हम मेक श्योर करते हैं कि डिलीवरी से पहले करें। तो यहाँ पर तो ये है कि भाई 50 सालों से आप बना रहे हैं और फुल्ली मेड इन इंडिया, जैसा कि दर्शकों से हमने भाई वादा किया था कि आपको दिखाने वाले हैं सारा पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई 10%, 20%, 30%, 40%, 50% ये है अभी बन रहे हैं और अभी बिल्कुल जो स्टार्ट भी हुई है, जो अभी स्टार्ट है मैन्युफैक्चरिंग में, जो आज ही मशीन स्टार्ट हुई है। तो बिल्कुल जो 100% मैन्युफैक्चरिंग है आपने अपने सामने देखी है। कोई विजिटर हमारे पास आना चाहता है, कस्टमर विजिट करना चाहता है, तो मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया न्यू दिल्ली में हमारी फैक्ट्री है, वो कभी भी आके देख सकता है। 100% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और जैसे कि बात करें, अगर आप मशीन्स की बात करें तो यहाँ पर बात होती है सर्विस की, सर्विस की, वारंटी की एंड इंस्टॉलेशन की, इनका क्या इशू रहता है? हमारी जो मशीन हम जो डिलीवर करते हैं यहाँ से, उसका 1 year का हम गारंटी देते हैं। 1 year के अंदर उसके अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाए हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रेक्टिफाई करके देंगे। पर हम उसको जब मैन्युफैक्चर करते हैं और जब हम उसे डिलीवर करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे को कम से कम सर्विस देनी पड़े। अच्छा। जिस वजह से जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी उस चीज़ का एडवांटेज उठा सकें कि जो हम 50 साल पुरानी कंपनी है। हाँ। तो वो हमने 50 साल में क्या सीखा है, वो हमने यही सीखा है
कि हमें कस्टमर को कम से कम सर्विस देनी पड़े, हम इस तरह की क्वालिटी बना के देते हैं उन्होंने। तो ये है कि आफ्टर सेल्स सर्विस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि मेड इन इंडिया है। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप सर से कॉल करो भाई, यहीं पर आके धमक जाओ, बैठ जाओ कि दे पार्ट दो। और इसके बाद जैसे अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आप कैसे देते हैं सर? मशीन डिलीवर होने के बाद ये मशीन फुली असेंबल्ड जाती है, हम यहाँ से इसको असेंबल्ड मशीन्स होती हैं जिनको लोड कर देते हैं। कस्टमर की फैक्ट्री में पहुँचने के बाद अगर उनको इस मशीन को चलाना सीखना है, उनको इसकी ट्रेनिंग चाहिए कि हम इस मशीन को कैसे चलाएं, तो उसके लिए हम उनको ट्रेनर प्रोवाइड करा के देंगे डेली चार्जेस पे, जो उनको वहाँ पे आके उनकी फैक्ट्री में उन्हें ट्रेनिंग देगा कि मशीन को चलाना कैसे। आपकी 50 साल एज हो गई है कंपनी की, क्या आपने उपलब्धि क्या प्राप्त की है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट कर चुके हैं और हम किस तरह की क्वालिटी बनाते हैं, हमारे पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं, हमारे पास कौन कौन से अवार्ड्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो इंडिया में मैंडेटरी हैं, आप बात कर सकते हैं। MSME में हम रजिस्टर्ड हैं, IPAMA है जिसके हम रेगुलर मेम्बर हैं, ये हम जिस इंडस्ट्री में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी एसोसिएशन है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे CE सर्टिफाइड हैं और हम ISO 9001:2015 सर्टिफाइड हैं। हमें 1982 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला था क्वालिटी के ऊपर, और ये हम इंडिया मार्ट में रजिस्टर्ड हैं। ये हमारा फैक्ट्री लाइसेंस है जिस इंडस्ट्रियल एरिया में हम काम कर रहे हैं। ये दूसरी एसोसिएशन है हमारे मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया की। तो ये कुछ हैं, बाकी अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो अभी तक हम 20 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जिनमें अफ्रीका में बात करें तो गाम्बिया, जाम्बिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, दुबई में हमारी मशीन्स हैं, रशिया में हमारी मशीन्स हैं, सऊदी अरेबिया में, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सारी जगह पे, वियतनाम, कंबोडिया, इन सारी जगह पे अभी तक हम मशीन्स को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। पेरू में, साउथ अमेरिका में हमारी मशीन जा चुकी हैं, बाकी एड ऑन्स हो रही हैं और कंट्री। तो यहाँ पर तो सर ये है कि आप 50 सालों से इस इंडस्ट्रीज़ में हैं और काफ़ी लोग अभी इसमें बिजनेस में आना चाह रहे हैं और अभी प्लास्टिक बैन को लेकर बूम भी है काफ़ी मार्केट में, एक प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है इसमें ऑन एवरेज? इसके अंदर 20-25% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। अगर आप बैग्स विदाउट हैंडल बनाते हैं तो उसके अंदर जो है 20-25% का मार्जिन रहता है, अगर आप विद हैंडल बनाते हैं तो उससे भी अच्छा मार्जिन मिल जाता है। अच्छा। जी, तो अगर कोई ले जा रहे हैं तो उनको तो रॉ मटेरियल्स की लगातार नीड होगी, वो किस तरह से वो अरेंज करेंगे? इस मशीन के अंदर आपको जो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है वो पेपर रोल्स चाहिए, आपको गम चाहिए, ग्लू चाहिए पेस्टिंग के लिए, इंक्स चाहिए, अगर आप हैंडल वाले बैग्स बना रहे हैं तो उसके लिए आपको हैंडल्स चाहिए। तो ये जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, इनके जितने सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनके हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से आपको हर तरह का रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। अच्छा, और ये मशीन आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो जिनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग आप वो कस्टमाइज भी करवा सकते हैं उनके लिए आप? जी, हम इसके अंदर दो मॉडल बनाते हैं, जूनियर मॉडल एंड सीनियर मॉडल। बेसिकली दोनों मॉडल के अंदर हमारी पूरी मार्केट कवर हो जाती है। अगर किसी ने छोटे बैग्स का काम करना है, स्मॉलर बैग्स का काम करना है, तो वो जूनियर मॉडल के साथ जा सकता है। अगर किसी ने पूरी मार्केट कवर करनी है तो वो अगर हमारा बिगर मॉडल जिसको हम सीनियर मॉडल कहते हैं अगर वो ले लेगा तो उसकी पूरी मार्केट एक ही मशीन के अंदर कवर हो जाएगी। जी, तो सर अगर कोई भी ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे उनका बेसिक क्वेश्चन होगा कि भाई बजट क्या पड़ जाएगा, तो कितना बजट लेके चले? सर जो हमारी मशीन्स हैं वो 5,50,000 प्लस GST से स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके अंदर विदाउट प्रिंटिंग मशीन्स आती हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कितने कलर के साथ चाहिए, विदाउट प्रिंटिंग चाहिए कि विद प्रिंटिंग चाहिए, उस हिसाब से वो 15 लाख तक की रेंज की हमारे पास मशीन्स हैं। अच्छा, हाँ जी, तो वो एक रेंज लेके चले 15-20 लाख के अंदर आपका सारा काम हो जी सर, इतने अच्छा, में हो जाएगा। इसके अंदर आपका रॉ मटेरियल्स वगैरह भी, मशीन कॉस्ट भी, सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, और अगर कोई आपका ये विजिट करना चाहे तो इसके लिए एड्रेस क्या होगा सर? हम मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में हैं जो कि न्यू दिल्ली में है, C174 हमारी फैक्ट्री का एड्रेस है, वो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं, रेडी मशीन्स देख सकते हैं। हाँ, और जैसे अगर किसी को घर बैठे ही आपसे बात करनी हो, मशीन्स के बारे में जानकारी लेना हो या मशीन्स मंगवाने हो, तो उनके लिए क्या सुविधा उपलब्ध है?
उनके लिए सबसे बड़ी सुविधा तो हमारे शुभम जी हैं, हमारे बारे में शुभम जी से पूछ सकते हैं, बाकी हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको दे देंगे, आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देना, आप वीडियो में डाल देना, वहाँ से वो हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर बात करने के लिए, धन्यवाद। और आप एक जो बिजनेस अभी प्रोवाइड कर रहे हो कि भाई काफ़ी सारे अभी प्लास्टिक बैन हो चुके हैं और ऑप्शंस लोगों के पास नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक काफ़ी बड़ा ऑप्शंस है, आप स्टार्ट कर सकते हैं और आगे काफ़ी बूम होने वाला है, क्योंकि लोग प्लास्टिक को, लोग पेपर बैग मेकिंग मशीन को यूज़ करके गवर्नमेंट को भी हेल्प करेंगे। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है प्लास्टिक को बैन करने का, वो एक तरह का गवर्नमेंट को और अपने जो इंडिया है हमारे देश को भी सपोर्ट करेंगे एक प्लास्टिक से फ्री करने के लिए। जो प्लास्टिक का पोल्यूशन है जो कि आज के टाइम में आप देखोगे तो वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब वो हमारी जो लाइवलीहुड है उसको भी इफ़ेक्ट करने लग गया है। तो अगर कोई पेपर बैग मेकिंग मशीन यूज़ करता है, बैग्स बनाता है या फिर बैग्स को यूज़ भी करता है, तो एक तरह का कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इन्वायरमेंट को, तो एक एडवांटेज रहेगा। और दूसरी बात, ये मशीन टोटली मेक इन इंडिया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई ये मेक इन इंडिया है, क्योंकि अभी लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना देसी जो भी कंपनी है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ज़रूर सपोर्ट करें, आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं एक बार आप कॉन्टैक्ट करें और आप यहाँ पर देखिए, प्रोसेस देखिए, आना चाहते हैं यहाँ पर आकर देखें, और जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा, जो भी एड्रेस होगा, मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और इस तरह की बिज़नेस आइडियाज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सर के लिए और कंपनी के लिए जो पूरे 50 साल पूरे हुए हैं और मेक इन इंडिया के अंदर बना रहे हैं, तो उनके लिए आप 2-4 कमेंट कर ही सकते हैं, है ना सर? तो आप कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।